मंडीर धान थिला एवं टोकन लैब से मु आज रिजाइन कर देबी नै नै टोकन लैब को हाल तो कथा बिल्कुल करबनी मोर संग चासी को बरगढ़ जिलापाल मनीषा बनर्जी धमक देउथुबार वीडियो एबे फाइरल होउछि। ए चित्र धान किणा पई चलीथिबा जिला स्तरीय बैठकर आउ थरे सुनंतु केमिति अन्नदाता को धमक देउछंती जिलापाल। प्रशासनिक अधिकारी केमिति मालिक भाबे व्यवहार करुछंती ए तारो ज्वलंत उदाहरण कहिले फुल हेबो नाही। ए चित्र ही प्रमाण करुछि मिछ जनता जनार्दन रो स्लोगन को। खरीफ धान किणापाई होता बैठक में डिसेंबर एक रु धान किणाजी जिलापाल। तेज नवेम्बर एक रु खरीफ धान किणा प्रक्रिया आरंभ हो बरगढ़ में गोटे मस विलंब को विरोध करुंची। प्रशासन जुक्ति मिलर पाखे चाउल महजूद थवर मिलर्स मैंने डेरी में धान किणवे से एक मस विलंब मंडी खोल। जिला प्रशासन ए जुक्ति को चाषी विरोध करने मुहांमुही होते चाषी और जिलापाल। चाषी प्रति अपमान जवाब दिजाव चेतनी चाषी नेता जदिओ प्रशासन पक्षर से माने कण करबे कण ने आम ना जानी किंतु नवेम्बर 20 तारीख आम धान रेडी हेले आम निश्चित भाव में धान पकामु आर केन प्रकार आंदोलन करमु सेटा से जगह निष्पत्ति नेमु आर से लगी यहाँ भी आम कहू बरगढ़ जिलापाल तथा जिला प्रशासन से लगे प्रस्तुत रहूँ जे गोटे बड़ धरण आंदोलन चासी उपरे कोनोसी कटकना नहीं कि से कहा को धान बिकी पारिबे नहीं। ठीक है, द रेस्ट्रिक्शन इज ओनली ऑन द कस्टम मिलर्स। कस्टम मिलर जदि अछंती से अलगा कहा कोनोसी सोर्स रु धान किनी पारिबे नहीं, बट जने इंडिविजुअल फार्मर अछंती ही इज फ्री टू सेल हिज पैडी एनीवेयर ही लाइक्स। द ओनली थिंग इज कि डबल सेलिंग हबो नहीं सेटा मोर सिस्टम को देखिबार अछि कि एठी भी बिकी देले आ सेठी नै कि भी बिकी देले दैट इज रॉन्ग। बट सेटा जदि हमें छाड़ देबा चासी रु उपरे कोनोसी कटकना नहीं कि से बिकी पारि। ओ चासी रो टोकन लैब से छि मते नाटा दियो टोटल रो मैडम लास्ट के जेतला टारगेट आसे जे लास्ट टारगेट आ उपरे मोन हे जाउछि। ओ टोस को तुम मते चासी रो ना कुहो जो चासी रो एफएक्यू धान थिला एवं टोकन लैब से छि फालतू कथा बिल्कुल बसि कि करबो नै। जांको एफएक्यू धान थिला मंडी रो धान थिला एवं टोकन लैब से छि मो आज रिजाइन कर देबी नै नै टोकन लैब को फालतू कथा बिल्कुल करबो नै मोर संग। चलित खरीफ रे बरगढ़ जिलार 1,40,619 जन चाषी धान विक्रय पई पंजीकरण करिछंती। चलित खरीफ क्रय समय रे 58 टी पैक्स 26 टी स्वयं सहायक गोष्ठी सह नूतन भावे 12 टी स्वयं सहायक गोष्ठी एवं विगत वर्ष रे भाग नैथिबा 112 मिलर्स भाग नेबाकु स्थिर होईछि। एतिसह सर्वनिम्न साधारण धान क्रय मूल्य 2040 टंका एवं ग्रेड ए पई 2060 टंका क्विंटल प्रति धार्य करा जाईछि। चलित वर्ष विभिन्न अंचल रे चासिंग को दाबी को भित्ति करी प्राय 205 टी एवं 11 टी नूतन धान क्रय केन्द्र रो प्रस्ताव रखा जाई छी। केन्द्र सरकार को गाइडलाइन अनुसार प्रति वर्ष खरीफ ऋतु पई नवंबर 1 तारीख रु मार्च 31 तारीख पर्यंत धान मंडी खोला रहिबार निर्देश थिले भी प्रश्न सरकार ठीक समय रे काहे की मंडी खोलु नहंती। कहा चापरे जिलापाल एक मास विलंब रे धान मंडी खोलिबाकू कहउछंती। जिलापाल जेन टोन रे कहुचन बरगढ़ जिलार कौन चाषी मान एफएक्यू धान थी टुकन लैप्स ना हो बोलकर कृषक संगठन कर्मी हिसाब से संपूर्ण भाव में आम प्रत्याख्यान करुचु एवं जेन प्रकार कलेक्टर टोन रे कहुचन फालतू है बोलकर आम ताक जवाब देवार लगी चाहूँ। बरगढ़ जिले में 1,33,000 चाषी पंजीकृत होते 1,16,000 चाषी बिक्री कर धान बाकी सबू चाषी टुकन थी बरगढ़ जिले में धान बिक्री कर नहीं पारि जदि जिलापाल कहछन प्रमाण दे देने इस्तफा देदेवी बोलकर आज आम प्रमाण देवार लगी प्रस्तुत अच्छू के जगह से प्रमाण नवार लगी चाहूँ। जय किसान आंदोलन प्रतिनिधि मैंने निमंत्रित ना हई किंतु कृषक प्रतिनिधि मैंने जिन विभिन्न ब्लक रु जाइए से मानकर भितरे आमर भी साथी मैंने और से मैंने ताके नहीं आपत्ति भी उठे किंतु कृषक प्रतिनिधि मानकर आपत्ति के अणदेखा कर प्रशासन एकतरफा जेन निष्पत्ति नहीं आमे जानबा के पाइलु जे कृषक मानक अपमानित कला भलिया भाषा जिलापाल तरफ जेन व्यवहार करा जाइछे एटा दुर्भाग्यजनक कृषक मानकर प्रति सहानुभूतिपूर्ण आ गोटे अनुकूल वातावरण रे आलोचना करी करी ई प्रकार निष्पत्ति नियाजिबार कथा किंतु एकतरफा निष्पत्ति जे नैछन तार पुनर्विचार करून नेले आगामी दिन रे जिला प्रशासन को जिलार कृषक मानकर आंदोलन रो शिकार हेबा। 2020-21 खरीफ सीजन रे 2,81,369 जन पंजीकृत चाषी एवं 2021-22 सीजन रे
2,50,667 जन पंजीकृत चाषी धान बिक्री वंचित होते। तेरे राज्य सरकार पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भल ना बेले चलित बर्ष समस्त पंजीकृत चाषी धान बिक्री करें तो चाषी अभियोग जिला प्रशासन मिलर्स सहित प्रियाप्रीति कर एक मास विलंबरे धान किणा प्रक्रिया आरंभ करपटे चाषी संगठन चेतावनी जदि नवेम्बर 20 तारीख में मार्केट गुड़िक न खोल जाए ताहले आगामी दिन में आंदोलन हेब। बरगड़ कैमेरा पर्सन जसवंत मनीष शर्मा अर्गस न्यूज।